डंक को मुझे देख के लग रहा था कि जरा खौफजदा भी हो जाते हैं, और उसके बाद फिर उनकी एक बबल थी, च्युइंगम भी खा रहे थे ना, उसकी एक बबल बनती थी, जैसे कि मेरे लिए तो ये बाएं हाथ का काम है, नो बिगी एट ऑल। तो भाई उनका ये कहना है कि वो स्ट्रेस कंट्रोल करते हैं, सिर से छक्के मार के कौन सा स्ट्रेस हो रहा था उन्हें जिससे वो कंट्रोल निकाल देते ना उसमें स्ट्रेस। मुझे तो सेलिब्रेशन का उनका अंदाज लग रहा था वैसे। इट इज एवरीबॉडी हैज देयर ओन डिस्टिंक्ट स्टाइल एंड दिस सीम्स टू बी हिज। अच्छा जी, सिकंदर बख्त इज विद अस। सिकंदर कैसे हैं आप? सिकंदर, लाहौर कलंदर का एक इंतहाई सख्त मैच था, आपको इस परफॉर्मेंस में क्या कमी लगी और क्या अच्छा लगा? क्यों हंस रहे हो? वैसे कमी क्यों ढूंढ रहे हैं? मैं सोच रहा हूं, सबसे अच्छी बात ये थी कि उनके कप्तान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। डंग ने तो बहुत ही शानदार बैटिंग की, उन्होंने मार मार के सबको बुरा हाल कर दिया, मगर उनका साथ बड़ा अच्छा दिया है सोहेल अख्तर ने। हम उनसे इतना अच्छी बैटिंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, हमने उनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था, उनकी कप्तानी को किया था, और हम नहीं समझ रहे थे कि उनकी जगह बनती है, मगर उन्होंने बहुत ही सेंसिबल बैटिंग की है। उन्होंने जब देख लिया था कि डंग बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो उन्होंने उनके साथ बस वहाँ खड़े रहे, सिंगल्स डबल करते रहे, जहाँ मौका मिला उन्होंने रन्स भी बनाए। तो मैं कल की जो उनकी जो जीत है उसमें सबसे बड़ा हाथ मैं सोहेल अख्तर का देखता हूँ, कि उन्होंने डंग ने तो किया, वो बगैर किसी शक के पहले भी उन्होंने किया था, मगर कल उनकी बैटिंग बहुत सेंसिबल थी, जो इतनी बड़ी एक 100 से बड़ी एक पार्टनरशिप लगाई, और जिससे ये लाहौर कलंदर जीत गया है, जिससे बड़े चांसेस बन गए। सिकंदर, पहले मैच में मुल्तान की फतह के बाद पॉइंट्स टेबल दिलचस्प नजर आ रहे हैं, आपके ख्याल में फेवरेट कौन है अब टूर्नामेंट में? देखिए, फेवरेट तो चार टीमों ने ऊपर आना है, इस वक्त सबकी ये ख्वाहिश होगी कि किसी तरह चार में आ जाएं। इस वक्त क्वेटा बुरी तरह स्ट्रगल कर रहा है, अब क्वेटा के बाद अब जो चांस बन गया है वो लाहौर का बना है, तो अब क्वेटा के पास भी अभी दो मैच हैं, मगर ये कि लाहौर के पास तीन मैच हैं, जिसमें से अगर वो जीतता है, एक दो मैच भी जीतता है, तो उसके एक अच्छे पॉइंट्स हो जाएंगे कि वो चार में आने के चांसेस बन जाएंगे। तो अब देखना ये कि अभी किसी को हम नहीं कह सकते कि कौन कहाँ क्या करेगा, सबके चांसेस बन गए, तो इस वक्त नीचे वालों के भी बन गए, क्वेटा के भी बने हुए हैं, सबके बने हुए, छः के छः टीमों के चांसेस बन गए, इनमें से अब हर एक ने दो दो मैच जीत जाने जिनके रह गए, अब किसी के चार दो रह गए, किसी के तीन रह गए, तो उन्होंने अगर दो दो भी मैच जीत लिया तो ये बड़ा सख्त मुकाबला होना है, और आप ये देख लीजिएगा कि ये रन रेट पे चला जाएगा, रन रेट पे जाके इसका फैसला होगा कि कौन चार कोई आगे जाना है, लेट्स सी कौन जाता है। बहुत शुक्रिया सिकंदर बख्त। अभी पॉइंट्स टेबल जल्दी से दिखा दें हम आपको, इन केस दोज हु आर कंफ्यूज्ड हो, हु आर नॉट अपडेटेड। ओह गॉड, आई कांट सी इट। सबसे ऊपर मुल्तान है, उसके बाद पेशावर है, फिर कराची है, और इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर कलंदर्स एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स।